विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी एक प्रॉब्लम की जिसे हम सब लोग फेस कर रहे हैं। यस, अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आपको पता ही है जो हमारा कुवैत का ड्राइविंग लाइसेंस है अब वो हमें फिजिकल फॉर्मेट में नहीं मिलता, बेसिकली वो अब हमें कार्ड नहीं मिलता और अब हमारा यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है इलेक्ट्रॉनिक ई लाइसेंस जो हम लोगों को कुवैत मोबाइल आईडी में आता है। तो इससे हुआ क्या है, इससे थोड़ी बहुत हम लोगों को प्रॉब्लम जब होती है जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। यस, जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो कई बारी कुछ कंट्रीज में ये जो हमारे पास जो लाइसेंस है इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और जब हम कार रेंट करने के लिए बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो वो लोग मांगते हैं एक फिजिकल लाइसेंस। यस, और वो फिजिकल लाइसेंस हमारे पास होता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती जा रही है, लोगों का काफ़ी सारे कमेंट्स आए मेरे पास और उन्होंने पूछा कि इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई किया जाए और क्या सोल्यूशन करा जाए और हम कुवैत में बैठे बैठे उस सोल्यूशन को कर पाए। तो मेरे पास काफ़ी अच्छा रिसर्च करने के बाद एक सोल्यूशन आया है जिसे आप कुवैत में बैठे बैठे कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो कुवैत का लाइसेंस है वो ई लाइसेंस है और आने वाले टाइम पे मुझे लग नहीं रहा कि ई लाइसेंस हमें दोबारा से फिजिकल लाइसेंस पे जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपने कंट्री का लाइसेंस को अप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं इंडिया में हूँ और जब मुझे ये पता लगा न्यूज़ का तो मैंने अपने इंडिया के जो लाइसेंस था उसको रिन्यू करवा लिया और रिन्यू करवा के रख लिया अपने पास। ठीक है, अभी मेरे पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है। अब जब भी मैं बाहर ट्रैवल करने का कोशिश करता हूँ तो मुझे चाहिए होता है एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। यस, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होता है जो पहले मुझे कुवैत से ही मिल जाता था, बिकॉज जब मेरे पास कुवैत का ड्राइविंग लाइसेंस था तो मैं यहाँ से जाके इंटरनेशनल लाइसेंस कुवैत से मैंने निकाल लिया था। बट अब वो नहीं कर सकता बिकॉज अब मेरे पास जो लाइसेंस है वो डिजिटल फॉर्म में नहीं है और वो आगे जाके रेंटल में भी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने इंडिया का लाइसेंस ले लिया। जो इंडिया का लाइसेंस आ रहा है आज भी वो फिजिकल फॉर्म में कार्ड के फॉर्म में आता है, तो वो लाइसेंस ले लीजिए। और हो सके तो आप इंडिया से भी अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, बट वो एक साल का बनता है। तो और आप यहाँ पर रहते हैं और वहाँ लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस बनाने के लिए आपको फिजिकली वहाँ पर होना चाहिए, तो कई बारी ये प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने बनाया था तो मेरा एक साल ही तक चला था वो लाइसेंस और उसके बाद वो लाइसेंस एक्सपायर हो गया। सो व्हाट इज द नेक्स्ट सॉल्यूशन? यस, द नेक्स्ट सॉल्यूशन मेरे पास आया है बहुत ही बेहतरीन और जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। हम लोग अपना ड्राइविंग इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई करने वाले हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग एसोसिएशन से। यस, इंटरनेशनल ड्राइविंग एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन है ये बिल्कुल ही जेन्युइन एसोसिएशन है और इनके पास भी प्रॉपर जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास परमिट होता है कि वो इंटरनेशनल लाइसेंस दे सकते हैं, वैसे ही इनके पास भी प्रॉपर परमिट है जो ये इंटरनेशनल लाइसेंस दे सकते हैं। और इनका लाइसेंस जो है वो पूरे 150 कंट्रीज में वैलिड है और ये लाइसेंस आप मात्र 8 मिनट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये अप्लाई करना है। स्क्रीन बाय स्क्रीन सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। और जब अप्लाई कर देते हैं, यहां पर भी दो ऑप्शन है, एक है इलेक्ट्रॉनिक एक है फिजिकल। ठीक है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है आप फिजिकल का करें और इसमें भी ऑप्शन आते हैं 1 साल 2 साल 3 साल। तो मैं 3 साल का अप्लाई करूंगा इसमें और हमारे पास ये कुवैत में डिलीवर होगा 2 से 3 वीक के अंदर। तो क्या क्या मिलेगा इसके अंदर? इसके अंदर एक आपको मिलती है पेपर बुकलेट जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में होगी। और उसके बाद हमें एक मिलेगा कार्ड। यस, एक हमें फिजिकल कार्ड मिलेगा, फिजिकल कार्ड इंटरनेशनल लाइसेंस का परमिट का, वो आप अपने साथ कैरी करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक ई ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, इंटरनेशनल परमिट मिलेगा। ये 3 चीजें मिलेगी इसमें और बहुत ही जबरदस्त प्राइस में। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, आपको एक एक करके सबको समझाते हैं। तो चलिए, सो इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है विच इज www.internationaldriversassociation.com। तो इस साइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इसी साइट से हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अपना इंटरनेशनल लाइसेंस। तो चले आपको दिखाते हैं कि कैसा होने वाला है। और जो ये जो रोड परमिट है ये मोर देन 150 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंटल्स में है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके आप जिस कंट्री में ट्रैवल करने वाले वहाँ पर देख सकते हैं इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होने वाली है।
सो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लाइसेंस दो तरीके के आते हैं, एक आता है डिजिटल लाइसेंस, एक आता है प्रिंट प्लस डिजिटल लाइसेंस। तो अगर हम लोग 1 ईयर का लाइसेंस लेते हैं डिजिटल लाइसेंस तो $49 का आएगा, और प्लस डिजिटल प्लस प्रिंट लेंगे तो $69 का आएगा। ऐसे 2 ईयर्स का $55 का आएगा, और अगर दोनों लेंगे 75, 3 ईयर्स में आपका आता है $59 का, और अगर 3 ईयर्स का प्रिंट प्लस डिजिटल लेंगे तो $79 का आपको ये लाइसेंस पड़ेगा। चलिए अब अप्लाई करते हैं अपना लाइसेंस। तो यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स होंगे। एक में फर्स्ट स्टेप में आप जो ड्राइवर की डिटेल डालेंगे, फिर फोटोज अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की, फिर शिपमेंट डिटेल डालेंगे, फिर ऑर्डर को रिव्यू करके पेमेंट पर जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमें अपने ड्राइवर की डिटेल्स डालनी है। वहाँ पर आपका ईमेल आईडी आएगा, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, और आपकी बर्थ कंट्री और आपका रेजिडेंस कंट्री, दोनों जगह मेरा इंडिया आएगा, मेरी डेट ऑफ बर्थ आएगी और मेरा जेंडर आएगा, और हम लोग मूव कर जाएंगे डाउन। अब जैसे ही आप नीचे जाएंगे वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका लाइसेंस किस कंट्री से इशूड है। तो जैसे मेरा इंडिया से है तो मैं इंडिया से इशू कर दूंगा। नेक्स्ट में वेयर यू गोइंग अहेड, मतलब आप कहाँ की प्लानिंग करनी है। तो 4 ऑप्शंस आप दे सकते हैं, जैसे मैंने स्पेन, फ्रांस, अमेरिका एंड थाईलैंड दे दिया। तो और नीचे जाएंगे तो और आगे इन्फॉर्मेशन। और अभी हम आ चुके हैं पेमेंट डिटेल पे। यहाँ पर जो मैंने है 3 ईयर का वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस लिया है, और वो भी प्रिंट प्लस डिजिटल लिया है, जिसमें मुझे लगभग $79 देने पड़ेंगे। तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है और मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। अब हम पहुँच चुके हैं सेकंड ऑप्शन पे, जहाँ पर हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब सबसे पहले हम लोग पासपोर्ट अपना अपलोड करेंगे, सेकंड में अपना ड्राइविंग लाइसेंस, और थर्ड में हम अपने सिग्नेचर, ई सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। और इसे करने के बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपनी शिपमेंट की डिटेल डालेंगे, जिसमें हमारा नाम आएगा, कंट्री, जिस कंट्री में आपको ये लाइसेंस मंगाना है उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा, आपका टेलीफोन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर शिपमेंट के 2 मेथड है। एक अगर फेडेक्स से मंगाएंगे तो ये 2 to 4 working days में आ जाएगा, जिसमें आपका लगभग $28-$29 लगेंगे। अगर आप नॉर्मल शिपमेंट से मंगाएंगे तो आपके $16 लगेंगे, बट 20 to 40 days लग जाएगा। और नीचे अगर एसेंशियल, आपको ट्रैवल एसेंशियल चाहिए तो उसके आपको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये ट्रैवल वॉलेट है, इसको भी आप ले सकते हैं अगर आप चाहें। अब आपका आ चुका है 4th step। आप जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का डिटेल डाले थे आप उसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद आप वेरीफाई करके आगे पहुँच जाएंगे नेक्स्ट टू पेमेंट स्क्रीन पे। और आप आ चुके हैं पेमेंट स्क्रीन पे। यहाँ पर आप अपनी पेमेंट डिटेल भर देंगे। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, तो जो क्रेडिट कार्ड के सारे इन्फॉर्मेशन है वो पे कर देंगे। पे करने के बाद आपका जो टोटल बिल आ रहा है वो आ रहा है 130, बिकॉज इसमें शिपमेंट चार्ज भी लग चुके हैं, और सारा करके इसे आप पे कर देंगे। और जो आपका जो सारे डॉक्यूमेंट है वो 2-3 हफ्ते के अंदर आपके पास आपके कोइत वाले एड्रेस पर पहुँच जाएंगे। और जब आप प्रिंट प्लस डिजिटल का ऑप्शन लेते हैं तो आपके पास बुकलेट आएगी, आपके पास एक फिजिकल कार्ड आएगा, और आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक परमिट, इंटरनेशनल परमिट आएगा। कुछ इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा। और जब भी आप ट्रैवल करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके साथ चले, और साथ साथ अपना जो कंट्री का लाइसेंस है, फिजिकल लाइसेंस, उसे भी लेके आप ट्रैवल करें। होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और कोशिश की गई है कि आपको तरीके से समझा दिया जाए कि इंटरनेशनल लाइसेंस आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वेबसाइट। और जो लाइसेंस होगा वो आपके कुवैत के एड्रेस पे ही डिलीवर हो जाएगा, और आप इसमें से अगर आपको लगता है 3 साल का करना है तो आप 3 साल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास अपनी कंट्री का लाइसेंस है और बिना अपनी कंट्री विजिट किए हुए आप यहीं बैठे बैठे आप इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। यस, जैसे मेरे इंडिया का है तो मैंने बिना इंडिया में गए हुए यहीं से इंटरनेशनल अप्लाई लाइसेंस कर दिया, और उसे मैं डिफरेंट कंट्रीज में कर सकता हूं। बिकॉज आपको पता ही है कि हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं। हम लोगों ने यूएस में भी ट्रैवल किया था, वहां पे भी गाड़ी रेंट पे ली थी, यूरोप में भी किया था, थाईलैंड में भी किया है, और जॉर्जिया में किया है, कई जगह किया है, और आने वाले ट्रिप पे और भी जगह करेंगे। तो इट्स बेटर कि इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, बिकॉज कई जगह हम लोग गाड़ी रेंट करते हैं, वहां पर हमें फिजिकल लाइसेंस देना चाहिए। तो ये बिल्कुल वहां पे काम करेगा, और वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं इस लाइसेंस को। सो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, डेफिनेटली आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, उसका सबका जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक वीडियो को यहां तक देख लिया है तो यार लाइक कर दो वीडियो को, और साथ ही साथ आप हमें ये नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपके पास हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जहां पर हमारी नई नई रील्स आती है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय।